हेलो एवरीबॉडी वेलकम टू माय चैनल माइंड बूस्टर सो गाइज लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था मार्क्स एंड अदर रेटिकल अप्रोचेज सो गाइस इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे थियोरी ऑफ इम्पेरलिज्म कॉलोनियलिज्म न्यू कॉलोनियलिज्म एंड है सो गाइज व्हाट इज अ थियोरी ऑफ इम्पेरलिज्म तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल वॉट इज इम्पेरलिज्म एम्पेरलिज्म इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम इन विच अ रिच एंड पावरफुल कंट्री कंट्रोल अदर कंट्रीज कॉलोनीज़ विच आर नॉट एज रिच एंड पावरफुल एज इट सेल्फ मतलब एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है जिसमें जो कंट्री से रिच होती है पावरफुल होती है वो क्या कहती है कंट्रोल करती है ऐसी कंट्रीज़ को या ऐसी कॉलोनीज को जो इतनी रिच या फिर पावरफुल नहीं है उनके मुकाबले जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यूनाइट स्टेट ऑफ अमेरिका तो ये एक रिच एंड पावरफुल कंट्री है एंड ये कंट्री कंट्रोल करती है जो कंट्री ज्यादा रिच या पावरफुल नहीं है ओके okay, तो गाइज दिस इज एम्पेरिज्म नाउ द फ्रीक्वेंट यूज ऑफ द टू टर्म्स दैट इज कॉलोनीलिज्म एंड एम्पेरिज्म इंटरचेंजेबली एड्स टू अ जनरल कन्फ्यूशन ओवर प्रिसाइज मीनिंग्स तो ये जो दो टर्म्स है कॉलोनियज्मण्ड एम्पेरिज्म क्या करती है कन्फ्यूजन क्रिएट करती है वाइल्ड कॉलोनी इज़ अ पीपल डिटैच फ्राम अ लार्जर इंटिटी एंड सेटल्ड इन अ डिस्टेंट प्लेस एम्प्लाइंग इमिग्रेशन तो मतलब कॉलोनी का मतलब क्या होता है जो एक पर्टिकुलर लार्ज एरिया में कुछ लोग रहते हैं तो वो क्या कहते हैं वो वहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं दूसरी जगह पे वो भी उसे इमाइग्रेशन कहा जाता है तो उसे कहा जाता है कॉलोनी colony imperialism derived from the term imperium connotes exercise of command or domination of one people by a stronger people without implying a migration so in other words imperialism describes the relation between a dominant and subservient society without the latter being necessarily reduced to a formal colony okay now जे ए हॉबसन एंड इंग्लिश इकोनॉमिस्ट इज यूनिवर्सली अक्रिडेटेड विद द टास्क ऑफ फॉर्मुलेटिंग द साइंटिफिक कॉन्सेप्ट ऑफ एम्पेरलिज्म इन हिस सेमिनल वर्क अ स्टडी इन नाइनटीन हंड्रेड एंड जो इंग्लिश इकोनॉमिस्ट है हॉपसन, उनका एक सेमिनल वर्क है एम्पेरलिज्म

उनको एंड सेकेंड वन इज द प्री ऑफ फाइनेंस कैपिटल ओवर द मर्सेंटाइल कैपिटल देन हॉपसन एज इकोनॉमिक टैप रूट ऑफ इंपेरिज्म वो उन्हें कहा जाता था देन थियरी ऑफ कॉलोनियलिज्म

घर से या ओरिजिनल जगह से एक न्यू टेरिटरी में ऑल दो द टू टर्म्स आर फ्रीकुंटली यूज इंटरचेंजबली हैव डिस्टिंक्ट मीनिंग जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉलोनीलिज्म एंड एम्पेरलिज्म इंटरचेंजबली यूज होता है लेकिन दोनों का मीनिंग काफ़ी अलग है वाइल्ड फॉरनर्स फ्रीकुंटली यूज कॉलोनाइजेशन टू रिफर टू द प्रोसेस ऑफ परमानेंट सेटलमेंट ऑफ अ न्यू टेरिटरी कोलोनियलिज्म Refers to political control or rule of the people of a given territory by a foreign state. It is th thus possible that colonization may occur without colonialism. Therefore, in the context of the modern world, colonization is also often used to refer to the process of establishing the colonial rule of a state over the inhabitants of other territories. सो so गाइस मैंने आपको एम्पेरलिज़म बताया इट वाज नॉट एम्पेरलिज़म यहाँ पे बताया है कॉलोनियलिज्म एंड कॉलोनाइजेशन ये दो टर्म्स के बारे में कि ये दोनों भी काफ़ी डिफरेंट टर्म्स है एक दूसरे से जैसे कि कॉलोनाइजेशन का मतलब होता है कि कोई पर्सन uh, का अपने परमानेंट uh, घर से अपने परमानेंट टेरिटरी से शिफ्ट होना अदर टेरिटरी में उसे कहा जाता है कॉलोनाइजेशन एंड द to पॉलिटिकल कंट्रोल और रूल ऑफ अ पीपल एंड colonialism को क्या कहा जाता है कि एक पॉलिटिकल कंट्रोल होता है या फिर पीपल का रूल होता है एक गिवन territory में by अ foreign स्टेट इट इज थर्ड थर्स पॉसिबल दैट colonization may occur विदाउट colonialism. तो colonization colonialism के बिना भी हो सकता है तो guys ये दो टर्म्स को आपको अच्छे से समझना है और उनको properly समझाना भी है डिस्क्राइब भी करना है अदरवाइज आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे या फिर आप उसके आंसर्स भी गलत लिख सकते हो तो गाइज प्लीज कोलोनाइजेशन एंड कॉलोनलिज्म ये दोनों टर्म्स को आपको अच्छे से समझना है देन वॉट इज न्यो कॉलोनलिज्म द टर्म न्यो कॉलोनलिज्म वॉज प्रोबैबली यूज फॉर द फर्स्ट टाइम बाई क्वामे न्यूक्रोमा प्रेसिडेंट ऑफ घना तो ये टर्म किसने यूज़ किया है पहले क्वामे नक्रोमा जो घना के प्रेसिडेंट थे उन्होंने ये टर्म को फर्स्ट टाइम यूज़ किया है द फर्स्ट ब्लैक अफ्रीकन स्टेट टू रिसीव इंडिपेंडेंस आफ्टर बींग यूरोपियन कॉलोनी और ये एक फ़र्स्ट ब्लैक अफ्रीकन स्टेट था जिसे इंडिपेंडेंस मिला था आफ्टर बींग यूरोपियन कॉलोनी इट वॉज इन द कंटेक्सट ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ मलेशिया फ़ाइव मंथ्स आफ्टर घना इन नाइनटीन फिफ्टी सेवन दैट नकुरा यूज़ द टर्म न्यो कॉलोनीज़म टू रेडिक्यूल द मो बाय पॉइंटिंग आउट दैट नो नथिंग हैड चेंज इन रियालिटी एक्सेप्ट द फ्लैग एंड सम अदर सुपरफिशियलिटी तो उन्होंने कहा है कि कुछ चेंज नहीं हुआ है सिर्फ एक फ्लैग और सम सुपरफिशियलिटी के अलावा और कुछ चेंजेस नहीं आए हैं सच सुपरफियालिटीज़ वेयर इविडेंट फ्राम दी फैक्ट दैट मलेशिया वॉर स्टील अ ब्रिटिश कॉलोनी एज अ ब्रिटिश कंट्रोल इट्स कैपिटलिस्ट इकोनॉमी दैट ब्रिटिश ट्रूप्स वेयर स्टील स्टेशन इन सिंगापुर एंड दैट द कंट्री वॉज स्टील वेरी मच औरटेड टूवर्ड्स ब्रिटिश तो मलेशिया ब्रिटिश से काफ़ी मतलब जो ब्रिटिश कॉलोनी है वो इम्परालाइज इंप्रेला, कर रही है मलेशिया को देन धिस प्रोवोक न्यूक्लियम टू यूज द टर्म न्यू कॉलोनीिज्म एज ही फाउंड द न्यू अरेंजमेंट टू बी नथिंग डिफरेंट बट न्यू वेराइटी ऑफ कॉलोनीज्म तो इससे उन्होंने जो टर्म है न्यू न्यू कॉलोनीलिज्म उसे कहा है लेटर ऑन यमा एलेबोरेटेड इट इन अ बुक न्यो कॉलोनीलिज्म द लास्ट स्टेज ऑफ एम्पेरलिज्म फिर उसके बाद उन्होंने एक बुक लिखी है न्यो कॉलोनीलिज्म उसमें उन्होंने इसे अच्छे से डिस्क्राइब किया है द लास्ट स्टेज ऑफ एम्पेरलिज्म उस टाइटल एमोलेटेड लेन एम्पेरलिज्म द हाइस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म तो ये थोड़ा किससे मिलता है जो लेनिन का आ, की बुक है एम्पेरलिज्म द हाइएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटेलिज्म उससे समवॉट सिमिलर है बिकॉज उन्होंने एम्पेलिज्म को क्या बताया हाइएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म तो न्यूक्लोमा ने न्यूकॉलोनलिज्म को लास्ट स्टेज ऑफ एम्पेरलिज्म बताया है देन दिस इन फैक्ट वॉज नो कोइंसिडेंस बट अ रिजल्ट ऑफ लेन डीप इन्फ्लुएंस ऑन न्यूक्लोमा पॉलिटिकल थिंकिंग तो ये इससे कुछ इसका कोई कोइंसिडेंस नहीं है बस इतना है कि जो न्यूक्लोमा है वो लेनिन से इन्फ्लुएंस थे Then, Nekrumah thesis on Neo-colonialism. From the perspective of the newly liberated state of Afro-Asia, Nekrumah was rightly come to be considered the pioneer of theory of Neo-colonialism. He considered Neo-colonialism to be the last stage of imperialism. A few, ex A few excerpts from his work will illustrate the essentials of his theory of Neo-colonialism. So, न्यो कॉलोनीलिजम इज ऑल्सो द वर्स्ट फॉम ऑफ एम्पेरलिज्म तो न्यो कॉलोनीलिज्म क्या है एक वर्स्ट फॉर्म है एम्पेलिजम का फॉर धोस हु प्रैक्टिस इट इट मीन्स पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फॉर धोज हु सफ़र फ्रॉम इट इट मीन्स एक्सप्लाइटेशन विद आउट रिड्रेस